नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडीजिक एजुकेशन। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी दोस्तों हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने जो आपके बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बीटेक वालों ने याचिका दायर किया था कि बीटेक वाले भी शामिल होंगे जो वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, तो उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। केवल इसको डिप्लोमाधारी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरी डिटेल्स क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है कि हाई कोर्ट जेई के लिए डिप्लोमाधारी ही कर सकते हैं आवेदन, और बीटेक वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और ये आपके हाई कोर्ट ने यहाँ पे फैसला सुना दिया है, पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के जूनियर इंजीनियर बहाली में सिर्फ डिप्लोमाधारी ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, डिग्रीधारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही के खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे, उसको एकल पीठ ने निरस्त कर दिया है। और ये बीटेक वाले के लिए एक बुरी खबर है जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए, इसमें केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और इसका फॉर्म जल्द ही आपके जनवरी आपके 20 तक 20 जनवरी तक ये फॉर्म आपको आ जाएगा। केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें भरेंगे। और इसमें देखिए, आपके बता दें कि 2018 में 400 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के निकाला गया था, जिसमें से बीटेक वाले इसमें कह रहे थे कि हम भी अप्लाई करेंगे, तो याचिका उन्होंने दायर कर दिया पटना हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन अब पटना आपके हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि नहीं, बीटेक वाले अप्लाई इसमें नहीं करेंगे और इसमें केवल डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसका देखिए अब नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म आपको 20 जनवरी के बाद से या 20 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।